तो गाइज हम जो है वो फाइनली आ चुके हैं यहाँ पे। एंड फिलहाल हमारा जो है वो इतना सा सामान आया है जिसमें दही है और ये है जी टिक्का मसाला, और क्या कहते हैं बॉइज जो है वो मैरिनेट करेंगे और बॉइज हमें जो है वो बारबेक्यू पका के देंगे। जे क्या फाल मुझे नज़र अचन कौन था परे परे ताई, बट देखते हैं अगर नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली हम लड़कियों को ही उठना पड़ेगा। और फिर धो ही दिया ना, खाली वॉश कर दिया रुको, वॉश कर दिया बाकी माँ के आती। सो गाइज यहाँ पे हम जो है वो गोश्त को जो है वो अच्छे तरीके से वॉश करें, इसके बाद जिंजर गार्लिक का पेस्ट मुझे बनाना है और फिर इसको करेंगे हम मैरिनेट कम से कम 1-2 घंटे के लिए तो रखना ही है ना एनी हाउ। तो ये सभी जो है वो ये वाला प्रोसेस चल रहा है तो मैं आपको दिखाती हूँ, जाती हूँ यहाँ पे जी हमारा ये अदरक लहसुन, पता नहीं अदरक कौन है लहसुन कौन है जो भी है यही है। तो अभी इसका पेस्ट बनाएंगे हम, उसके बाद देखते हैं क्या क्या होता है। और ये मैरिनेट नहीं हुआ अभी इन प्रोसेस है। अभी इसमें हमने सुरका मतलब विनेगर डाला हुआ है, विनेगर डाला है और ये सारी मेहनत हम कर रहे हैं। और जो सबसे ज्यादा मेहनत किसने की है? खाना में बहुत कम आता है, सिर्फ मैं ये बारबेक्यू खाती हूँ और शामियों में खाती हूँ। हाँ जी बिल्कुल। और ये बनावा ही नहीं फिलहाल, मेरा वाला कर ले फिर उसके बाद मैं आपको शाउट आउट दूंगी। अभी ये और ये अब उतर रही है। ओके गाइस जाहिरी बात है इसके ज्वेलरी उतर रही है, इसके साथ कैसे बना सकते हैं जी? मुझे पता है मेरे में भी एनर्जी नहीं है, मैं भी बात नहीं कर पा रही, लेकिन वो आ जाएगी आराम आराम से। मसालों में डाल रहे और ये अदरक लहसुन पेस्ट पता नहीं क्या जो कि मुझे कूटना नहीं आ रहा था इसमें। एंड विद द हेल्प ऑफ फरवाज मदर ये हमारी सारी चीजें तैयार हुई हैं। स्पून इस चमचो और ये स्पून या चमचो या स्पून चमचो शमशो चम्मच ये हमने इसमें अदरक लहसुन पेस्ट ऐड कर लिया है। अब हम इसमें लेमन ऐड करेंगे, उसके बाद हमारा जो मैरिनेशन वाला मसाला है वो बिल्कुल अच्छे तरीके से रेडी हो जाएगा। और ये लेमन इकड़ो विझास ना भले खट्टू में के बाद एक नवा डालो आप। माशाल्लाह लाइट थोड़ी घट आ रहा है इधर। ओके गाइस तो ये एकदम से हमारे पास बीफ भी आ गया था, तो इस वजह से हमने अलग अलग कर लिया। हमने इसका मसाला बहुत ही टेस्टी है। पर जैसे कि आप जानते हैं कि हैदराबाद में बहुत ही गर्मी है और ऊपर से एसी में तो कुछ समझ सकते हैं आप, कुछ में पंखा और एसी तो नहीं ना, और ऊपर से ये है गैस चल रही है और शामी की मिक्सचर बन रहा है। इग्नोर करें मेरे अजीब से आवाज़ को क्योंकि मेरे को एक आवाज़ में बात करने का ना आता। सही है हाँ, ये लेते हैं मथे में मसाला चा चवान तेने की तरफ बागाई जाने ख्याल रखो जी, कुछ तो करन ना, ये फजूल बस बैठा है मशकिल आप क्या करन। ओके सो गाइस ये डन हो गया है और ये थम्स अप। हाँ जी तो हमारी मैरिनेशन इज रेडी एंड यहाँ पे हमने छोटा मोटा ये सेटअप लगाया हुआ है बारबेक्यू का।
एंड शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आज मौसम भी थोड़ा सा बेहतर है और यहाँ पे हमने लोगों की तरह कोयले जलने के लिए रखे हुए हैं जस्ट किडिंग। और जी जिसके लिए आज की महफिल सजी है उसकी क्लिप्स रिकॉर्ड ना करें, ऐसा हो नहीं सकता। आप इन क्लिप्स को इंजॉय करें, बस आप देखें ये धुआं, देखें ये हमारी बारबेक्यू, देखें वाह माशाल्लाह माशाल्लाह, बस आप देखें और इंजॉय करें। एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, और जो जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेगा उनके लिए एक एक जो है वो टिक्का बूटी उनके घर तक मैं पहुंचा दूंगी। सो सबसे पहले आपने जो है ना जल्दी से सब्सक्राइब कर देना है मेरे चैनल को। और ये देखें ये देखें, आए हाय आए है, सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। सो बिना टाइम वेस्ट करे जल्दी से फटाफट कर दे मेरे चैनल को सब्सक्राइब। सो फैमिली ऊपर जो है वो हमारा बारबेक्यू रेडी हो रहा है और यहाँ पे नीचे जो है वो फरवा एंड मुस्कान चाय बनाने के लिए आई हैं। गाइस ये ससुराल आया है मेरा, इसके लिए मैं चाय बना रही हूँ। ससुराल के लिए मैं चाय खाई ना प्यार थी ना, ये अपने ससुराल में पहली बार चाय बनाई थी। लोग मीठा बनाते हैं, लोग चाय बनाते हैं। चाय आ रही कौन माँ गाइस, ये एली आर इसकी बात मान रही थी और फिर ये तो जी हमारी चाय यहाँ पे आ चुकी है ये, एंड वहाँ पे बारबेक्यू जो है वो रेडी हो रहा है। और फैमिली यहाँ पे हमारे पास खाली चाय नहीं है, यहाँ पर हमारे पास टाइगर बिस्कुट भी है। सो यस मैंने टेस्ट करके देखा और बनाने वाला जो है वो हारिस मस्तोई साहब, और इसके साइड में पता नहीं बैठा हुआ है रियान जो लिडू लिखिल जो आए खत्म थी। सो गाइज अभी हम जो है वह दोबारा से नीचे ऊपर ऊपर नीचे कब से कर रहे हैं, बिकॉज़ यहाँ पे बन रही है शामियाँ जो हमारे लिए नहीं है सैड। बेसिकली हम जो है वो रायता बनाने आए हैं, तो मैं आपको दिखाती हूँ कि फरवा किस तरीके से रायता बनाएंगी। सो यस हमारी जो वो है बारबेक्यू वो रेडी हो चुकी है और यहाँ पे की फरवा बना रही है रायता, एंड फरवा मेक्स द बेस्ट रायता ऑनेस्टली स्पीकिंग। देखें रायता जो है वो ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है हमारा, एंड नमक वगैरह डालना है, नमक डालना है, उसके बाद हम जाएंगे ऊपर एंड देन वी विल हैव आवर पेट पूजा। सो यस तो जी यहाँ पे हमारी पेट पूजा जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। हमारे पास है जी चावल, हमारा बारबेक्यू ब्रेड है, रायता है, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारी पपपसी। एंड यू नो व्हाट फैमिली, बड़ा होना इज़ नॉट एन ईजी टास्क टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट। मतलब पहले सबको आपको एक एक चीज़ बना के देनी होती है, उसके बाद जो है वो आखिर में आप जो है वो जाके खाते पीते हैं। सो दिस इज़ व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ, सबके लिए मैं यहाँ पे सैंडविचेस बना रही हूँ, उसके बाद लास्ट में मैं खुद खाऊँगी। सो तो
फैमिली हमारा बारबेक्यू पार्टी तो फैमिली मैं आपको बता रही थी कि हमारी जो बारबेक्यू पार्टी है वो हो चुकी है। अभी हम जो है वो वापस घर जा रहे हैं और हमने बहुत ज़्यादा मज़ा किया है। माशाल्लाह 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 टच वुड इधर को टच वुड ये मैंने बताया चमोदी का। सो हेलो फैमिली, यू नो व्हाट गाइस, अभी मैं व्लॉग को एडिट कर रही थी एंड अभी मैंने ये चीज़ नोट की है कि आज के व्लॉग का जो इंट्रो है वो मैंने शूट ही नहीं किया है। सो अस्सलाम वालेकुम फैमिली, यहाँ पे जो है वो अभी मैं व्लॉग को एंड भी करूँगी। इससे पहले वाले व्लॉग में मैंने आपको बताया था कि सबने मेहंदी लगवाई है, मैंने मेहंदी क्यों नहीं लगवाई है। द रीज़न इज़ के हम जा रहे हैं अपने गाँव। यस, अगर आप लोगों को भी सिंधी वेडिंग देखनी है प्रॉपर तरीके से तो जल्दी से मेरे चैनल को कर दे सब्सक्राइब। आपको बता रही थी कि हम जा रहे हैं जी गांव, मेरी कज़न की शादी है तो वहाँ पे जो है वो मुझे लगवानी है मेहंदी वेंदी, जो भी चीज़ें होंगी मैं वहाँ पे लगवाऊंगी। सो कल इंशाल्लाह हम जा रहे हैं। सो बस मेरे लिए दुआ करें, मेरी फैमिली के लिए दुआ करें कि खैर खैरियत से हम वहाँ पर पहुँच जाएँ। बहुत ही ज़्यादा फन व्लॉग्स आने वाले हैं, प्रॉपर सिंधी वेडिंग में आपको दिखाऊंगी इंशाल्लाह इन माय अपकमिंग व्लॉग्स। सो जल्दी से फटाफट कर दे मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड आज का व्लॉग आई होप कि आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो इसको लाइक करें, मेरे चैनल को जो है वो शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल बिकॉज बहुत ही ज़्यादा फन व्लॉग्स आने वाले हैं। कोशिश करूँगी कि जितना भी हम करेंगे वो भी मैं आपको दिखाऊं, जितनी रस्में होने वाली हैं वो मैं आपको दिखाऊं, जो जो चीज़ें होंगी वो भी मैं आपको दिखाऊं, क्योंकि मेरी भी फर्स्ट टाइम फर्स्ट एक्सपीरियंस होगा सिंधी वेडिंग का, गांव की शादी का। बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है, आई एम सो एक्साइटेड। सो यस, आई विल गेट यू गाइस इन द नेक्स्ट व्लॉग। अंटिल देन अल्लाह हाफिज़।